ये देखो, ये अजय देखो, मैं इतना खाऊंगा, इतना खाएगा, नाश्ता करूंगा, सैनिटाइजर वाला देखो, ये एंटीना है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अभी तो और 200 आ रही है। कौन 200 आ रही है? अब तो पैसा ही पैसा है वसीम के पास। ड्यूक ड्यूक हमारे चैनल पे पहली बार मॉडिफाइड हो रही है, तो ये भी खतरनाक बनने वाली है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि KTM ड्यूक पे कुछ मॉडिफाई करो। मेरे फ्रेंड की बाइक आ रही थी तो मैंने बोला लेके आओ, मॉडिफाई करके देते हैं। करना क्या है, पूरी बाइक पे पेंट करना है। देखो आप, जो पूरी स्टॉक बाइक है ड्यूक 200, देखो बाइक पूरी स्टॉक है, इसको हमको पूरा पेंट करना है। एंड पेंट कौन सा करना है मैंने सोचा हुआ है, रेड कौन सा अच्छा लगने वाला है वो देखते हैं। बट ये बाइक बनने वाली है खतरनाक, पूरी बाइक खोलनी पड़ेगी, सब पार्ट को घिसना पड़ेगा, उसमें लापी लेवल वगैरह सब कुछ। ड्यूक ड्यूक हमारे चैनल पे पहली बार मॉडिफाइड हो रही है, तो ये भी खतरनाक बनने वाली है। हमारे चैनल पे तो कुछ नया आता है वही खतरनाक ही बनता है, तो कोई बात नहीं, चलो तो अभी चलते हैं सुलभ की शॉप पे, वहाँ पे सब काम स्टार्ट होने वाला है। आरडीएस अचानक से इधर यार, बिना बोले तू भी अचानक से हाय। तो अभी 2 बज चुके हैं एंड यहाँ पे RDS एंड अजय, एंड यहाँ पे काम चल रहा है लाइटिंग का, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम आ रही थी रात को। एंड दिन में भी देखो, दिन में भी थोड़ा अंधेरा आ रहा है, तो 3 लाइट लगाने वाले हैं हम यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे सामने। तो जब 3 लाइट होगी एंड रात को काम करेंगे, दिन में काम करेंगे, तो अच्छा वाला लाइटिंग आएगा। वीडियो बनाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अजय ने सोचा हुआ है, मेरे को बताया था पहले कि उसके FZ में डबल एग्जॉस्ट करना ही है, करना ही है। यहाँ पे देखो इतना अंधेरा था, तो अभी 3 लाइट लग चुकी है आगे, क्या बात है, अभी मजा आएगा काम करने में। तो अभी ड्यूक लेके आएंगे अंदर एंड उसका काम स्टार्ट करेंगे। चलो अभी यहाँ पे बाइक अंदर लग चुकी है पैडक स्टैंड पे, अभी इसको पूरा पहले ओपन करना पड़ेगा, अभी इसका पूरा फेयरिंग ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टिकर वगैरह सबको निकालने पड़ेंगे, जो स्टॉक वाले स्टिकर आते हैं जैसे कि ये निकालना पड़ेगा। ओके, ये ड्यूक भी निकालना पड़ेगा, KTM लिखा वो भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तो नीचे आता है वो सब। हाँ, तो मतलब पूरी फेयरिंग निकाल देंगे ना अभी। हाँ, पूरी फेयरिंग निकाल देंगे, निकाल के घिसना पड़ेगा, स्टिकर निकालना पड़ेगा, स्टिकर निकाल के घिसना पड़ेगा। एंड पेंट कौन सा सिलेक्ट किया, पेंट रेड वाला। तो गाइस फाइनली रेड वाला पेंट सिलेक्ट कर लिया है। ये देखो, ये अजय देखो, मैं इतना खाऊंगा, इतना खाएगा, नाश्ता करूंगा, सैनिटाइजर है, मारा ना तो बाइक बड़ी सैनिटाइजर करना है। तो और एक बात कि यहाँ पे ये दोनों मैगविल है, दोनों मैगविल पे रेड, ओके, दोनों मैगविल पे रेड ग्लोसी वाला व्यू कोटिंग भी होगा उसपे, यूएसबी फॉक्स है, उसके ऊपर हम करने वाले हैं गोल्ड कलर का रैप। पेंट नहीं करना है, पेंट तो निकल जाता है, मेरा भी निकल गया, पेंट निकल जाएगा। पर यहाँ पे ध्रुव की बाइक का काम चल रहा है, देखो यहाँ पे मटका निकल दिया, मटका कहाँ गया, इसमें क्या हुआ था कि ये जो आता है मेट आता है, इसके ऊपर पेंट करेंगे तो पेंट का पपड़ी बन के निकल जाएगा, इसके लिए ध्रुव ने सब निकाल दिया, तो अभी हम यहाँ पे पूरा निकाल देंगे अपना नया न्यू बॉडी का नया लुक करने वाला। हाँ वो तो पता है, सबसे पहले इसका मडगा रिमूव करेंगे, उसके बाद क्या करना है, बॉडी टैंक, तो यहाँ पे मडगा रिमूव कर लिया इसका। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो मडगा है ये कुछ डिफरेंट है, RC में जो आता है यहाँ पे कट आती है, RC में जो आता है कट आती है, एंड ड्यूक में कट नहीं आती, फूल आता है। तो मेरी R1 पे ये वाला मडगा लगाने का सोच रहा हूँ मैं, क्या ध्रुव अच्छा लगेगा, सही है, ये सही है, हाँ मेरे सस्पेंसर यही है, इसके लिए मेरे सस्पेंसर यही है KTM के, तो ये आ जाएगा। तो मैंने ये मटका निकाला, तो मेरी हल्क पे मटका ट्राई करूंगा, आ जाएगा तो नया लेके आएंगे। आ जाएगा, क्या कर रहा है ध्रुव, पेंट निकाल रहा है, क्या निकल रहा था, तो मैंने सोचा अभी पूरा निकाल दो, एंड यहाँ पे अपनी ड्यूक का देखो आगे हेड खोल दिया है, देखो ये एंटीना है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका
ड्यूक का हेडलाइट निकाल दिया। अभी क्या खोलना पड़ेगा? अब टैंक खोलेंगे। चलो तो टैंक रिमूव करते हैं। तो ये मडगार्ड मेरे में ट्राई किया बट अनु पे नहीं आ रहा है ना, मेरे में सेट नहीं हो रहा है, तो अपन का वापस आर ओन वाला मडगार्ड डाल देंगे इसमें। अरे फिर से नेटवर्क नहीं आ रहा सुहेल भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा। देख सुहेल भाई को नेटवर्क नहीं आ रहा है, देख टावर। तो यहाँ पे सीट भी रिमूव कर दिया, अभी रिमूव करेंगे इसका टैंक। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने पीछे का पूरा टेल रिमूव कर दिया है, ये पूरा टेल है एंड इसकी पैनल साइड वाली जो यहाँ पे आती है ये उसका एयर फिल्टर है ना, एयर फिल्टर का पाइप है, एयर फिल्टर का पाइप है, देखो यहाँ से निकलता है। ओके, तो पीछे का टेल रिमूव कर दिया, अभी करेंगे इसका टैंक रिमूव। थ्रू ने पूरा उसका नियो परी का मडगार्ड देखो घिस घिस के ब्लैक कर दिया, नियो था ब्लैक कर दिया, देख अच्छा लगेगा, ब्लैक लगा दो। यहाँ पे पूरा ड्यूक खोल दिया है, देख लो इसका पूरा फेरिंग, देखो पूरा फेरिंग यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो देख लो पीछे से भी टेल बेल सब कुछ निकाल दिया, टैंक निकाल दिया, आगे का उसका हेडलाइट निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। तो अभी सीधा निकलेंगे अपन अहमदाबाद इसका पेंट लेने, इसको स्टिकर भी निकालना पड़ेगा, ये देखो इसका सबका स्टिकर निकालना है, बाद में पहले लेके आते हैं पेंट, उसके बाद ही काम करते हैं। चलो अभी 4 बजे हुए, फटाफट लेके आते हैं अहमदाबाद, पेंट लेने जाना है, बाद में लेना है। तो अभी 4:22 एंड ध्रुवी जा रहा है अहमदाबाद, वो वहीं पे रहता है एंड हम भी निकलेंगे, अभी लेके जाएंगे ब्लेजर। तो अभी पहले जाएंगे सीधा वसीम की शॉप पे, उसके पास से अपन को V3 लेनी है क्योंकि ब्लेजर जाएगी नहीं अहमदाबाद में, जाएगी बट बहुत टाइम लग जाएगा। देखो पीछे ध्रुव आ गया, ड्यूक ना ये ड्यूक हम कुछ और ही बनाएंगे, बहुत खतरनाक वाली बनाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई अच्छी अच्छी बाइक मॉडिफाइड करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसके लिए। कैसी लग रही है? तो वसीम यहीं पे होगा, ये प्लेजर बाइक है, तो वसीम यहाँ पे काम कर रहा है। अभी तो फुल डे हो गया तेरा, फुल डे हो गया पूरा दिन, अभी तो इतना काम किया, अभी तो और 200 आ रही है, और 200 आ रही है, अभी तो पैसा है वसीम के पास। तो चलो मतलब कि पेंट, उसका अस्तर कोटिंग, पीयू कोटिंग, सब मटेरियल लाना पड़ेगा एंड हो सके उतना जल्द काम ख़त्म करना है, एंड और भी 2-3 बाइक आने वाली है अपने पास, उसका भी काम करना है। RDS जाने दे, तो यहाँ से अपन डलवाएंगे प्रीमियम पेट्रोल। तो आज का रेट है 95, फिर वहाँ से तो निकल जाना आ रहा है ना, चलो वो आवाज भी देख लेता हूँ सर। चलो तो ये वाले ब्रिज के नीचे जाने का है, जो नया वाला ब्रिज बना हुआ है। अभी टाइम 5:58, 6 बजने वाले सुहेल भाई, चलो जल्दी। तो हमने पूरा सामान ले लिया है पेंट का, पेंट थिनर कोटिंग वोटिंग सब कुछ, तो चलो आरके भाई। और ये हेलमेट संडे को मैं पहनूंगा। हाँ तू ले लेना, नया खरीद लिया मैंने हेलमेट। RDS कहाँ आवाज़ आ रही है तेरे में, आवाज़ कहाँ आ रही है, इंजन में से आ रही है, तेरे में से आ रही है। तो चलो अभी अपन सीधा निकलते हैं बावला, एंड बावला पे काम स्टार्ट करते हैं अपने ड्यूक का। बाइक पूरा खोल के रखा हुआ है, तो जो स्टिकर थे ड्यूक वाले वो स्टिकर रिमूव करेंगे
एंड पेपर लेके आए, पेपर से घिस देंगे कि उस पर लेवल आ जाए। लेवल तो होता ही है, बट लेवल ले लेंगे और भी फिनिशिंग अच्छा है। मेट पे ऐसे पिन लगा देंगे तो पपड़ी बन के खराब हो जाएगा, तो उसके लिए प्लास्टिक प्राइमर अलग से आता है, तो वो भी पेंट ले लिया है। पूरा सब सामान ले लिया है, अभी सीधा जाएंगे बावला और डू का काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी टाइम हुआ है 6:30 एंड अपन बावला आ चुके हैं। अभी सीधा जाएंगे सुलभ की शॉप पे एंड वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा दिन लगाने नहीं है, संडे से पहले काम ख़त्म करना है। तो अहमदाबाद से सब कुछ सामान लेके इधर आ चुके हैं एंड यहाँ पे आगे का मैग व्हील सुबह ने फटाफट ओपन भी कर दिया, खोल भी दिया ये आगे का मैग व्हील एंड पीछे का वो भी रिमूव कर दिया। एंड ये हमारा सामान, इसमें सब कुछ है, थिनर, कोटिंग, पेंट, सब कुछ इसमें है। तो बाद में इसका अनबॉक्स कर दे, पहले पीछे का टायर ओपन कर लेते हैं। जो मैग व्हील निकाला उसमें डिश, ये आगे की डिश, पीछे की डिश, दोनों डिश रिमूव करनी पड़ेगी। ये 110 है एंड 150। वसीम भाई आ चुके, वसीम भाई बल्लू भाई मोस्ट वेलकम। बल्लू भाई आओ, ये बल्लू भाई आ चुके हैं। बल्लू भाई आओ, आज हमारी नई YouTube चैनल चालू करने के लिए स्पॉन्सर के लिए बुलाए हैं। बल्लू भाई हेलो भाई, तब सेलिब्रिटी हो यार। तो हमने जो ड्यूक खोल के रखा, जो उसका टैंक है, टैंक के ऊपर ड्यूक 200 लिखा हुआ है, तो वो स्टिकर निकालना पड़ेगा दोनों साइड। एंड दूसरे बहुत सारे स्टिकर है यहाँ पे, एंड ये सब साइड बनाने पर स्टिकर निकालना पड़ेगा। सुनो भाई निकाला स्टिकर जब, सुनो भाई यहाँ पे हमने स्टिकर निकाल लिया बराबर, अभी क्या करना है? किसने का क्या, किसने का थोड़ा सा गड्ढा है, इसमें क्या करना पड़ेगा? अब लापी लेना पड़ेगा इस पे। तो यहाँ पे ये टैंक को पूरा घिस दिया है, देखो। तो हिडन एंड ये पैनल जो आगे हेड पे आती है, साइड पे पैनल, वो पैनल है, इसको भी घिसना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी छोटी पैनल थी उसको घिस दिया, अभी ये मडगार्ड तो इसको भी घिसना पड़ेगा। मतलब कि हम जो आरएफ में घिसते सब बट को, वैसे इसमें भी सब घिसना पड़ेगा। तो 8:46 मतलब कि 9 बजने वाले हैं एंड यहाँ पे जितना हो सके उतना पार्ट हमने घिस लिया एंड यहाँ पे देखो मडगार्ड को घिस रहे, देखो सोहेल भाई। अब भी सब पार्ट घिस देंगे तो कल डायरेक्ट उस पर अस्तर गोटी हो जाएगा, जहाँ पे थोड़े थोड़े गड्ढे हो गए वहाँ पे लापरी हो जाएगा। सब काम अभी कंप्लीट कर देंगे सोहेल भाई, क्योंकि मुझे अभी एक वीडियो एडिट करनी बाकी है, तो मुझे कल जाना पड़ेगा, तो आगे का काम कल होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।